हेलो एवरीवन, आज साइंस की प्रैक्टिस सेट 5 आपको देने जा रही हूँ, जिसमें इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से भी लिया है, तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली इसको देखिएगा और अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। ये जितने भी एग्ज़ाम्स यहाँ पे होते हैं, जितने वनडे एग्ज़ाम्स हैं या फिर जितने BHU एंट्रेंस हैं, BA LLB LLB या आर्ट्स वाले, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली इसको देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। इसके ऑप्शंस हैं कंपाउंड्स ऑफ मिनरल, मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड नेटिव एलिमेंट, एंड चौथा है आपका नन ऑफ द एबव। आप ऑप्शन इसके देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, जितने भी ऑप्शंस हैं सब आप हमारे मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सबको करके और अपने स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसका जो आंसर होगा वो होगा नेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपका आता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन है वो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है, इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। इसके ऑप्शंस हैं एक्स रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। इसका जो आंसर होगा वो होगा बीटा पार्टिकल्स। आप जानते हो बीटा पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरी करने का काम करता है, मतलब नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन एटम फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। इसके ऑप्शंस हैं अबाउ प्रिंसिपल, हिंसबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एटम की जो फिलिंग होती है वो एक्चुअली अबाउ प्रिंसिपल पे की जाती है, एज इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, मतलब पहले 1s में, देन 2s में, देन 3s में और देन 2p में। तो ये एनर्जी इंक्रीजिंग के ऑर्डर में ऑर्बिटल्स में एटम की फिलिंग की जाती है और ये अबाउ प्रिंसिपल के थ्रू की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रोमीटर, गीगर काउंटर, सिस्मोमीटर एंड आमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गीगर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर या फिर GM काउंटर भी कहा जाता है इसको। इसके थ्रू रेडियो एक्टिविटी मेजर की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर इज कॉल्ड। इसके ऑप्शंस हैं वेपराइजेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन। आप जानते हो सॉलिड टू वेपर कन्वर्जन को हम सब्लिमेशन कहते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सब्लिमेशन। जिन लोगों को भी हिंदी में प्रॉब्लम है वो क्योंकि साइंस की चीज़ें बहुत सारी इंग्लिश में ही होती हैं, हम नेक्स्ट टाइम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इस बार आप बस हमारे वर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड इज। इसके ऑप्शंस हैं कार्बन, नाइट्रोजन, निकल एंड जिंक। तो डायमंड जो है वो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहलाता है और इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन। अगला क्वेश्चन है आपका, द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट इज। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट कौन सा होता है। इसके ऑप्शंस हैं यूरेनियम, मरकरी, गोल्ड एंड कैल्शियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है आपका, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल इज। इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। आप देख रहे हो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ या फिर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल, ये एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये पर्ल का मतलब फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सॉफ्टेस्ट मिनरल। इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, टाल,
डायमंड एंड जिप्सम। आप जानते हो कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, गोल्ड भी बहुत सॉफ्ट नहीं होता है और जिप्सम भी सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाल। अगला क्वेश्चन है आपका, द सॉफ्टेस्ट मिनरल टाल्क इज मेनली। अब टाल्क का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, ये एक्चुअली बहुत बार रिपीट किया हुआ था, इसलिए मैंने इसके सारे क्वेश्चन रिलेटेड जो भी थे वो इंक्लूड कर दिए हैं। इसके ऑप्शंस हैं मैंगनीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम सिलिकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैंगनीज सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है आपका, द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज, और इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपका, मोनोडाइट इज एन ओर ऑफ, इसके ऑप्शंस हैं जिरकोनियम, थोरियम, टाइटेनियम एंड आयरन। मोनाजाइट जो है वो थोरियम का ओर होता है। ओर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अपनी जो ने केयरफुली पढ़िएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मिनरल एंड ओर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और इसके ऑप्शंस हैं आयरन, लेड, मैग्नीशियम एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो वाटर से रिएक्शन नहीं करे। मैग्नीशियम भी वाटर से रिएक्शन करता है और MgOH होल टू का फॉर्मेशन करता है, आयरन भी FeOH होल टू का फॉर्मेशन करता है और लेड भी PbOH होल टू बनाता है। तो ये इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रिएक्ट नहीं करता है, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, और इसके ऑप्शन हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सिल्वर। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, इसके ऑप्शन हैं एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसके आंसर होगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है आपका, मर्करी मेटल मिक्सचर इज, इसके ऑप्शंस हैं हाई कलर एलो, कार्बन मिक्स्ड एलो, मर्करी मिक्स्ड एलो एंड हाई डेंसिटी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, हाई डेंसिटी एलो। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा मर्करी मिक्स्ड एलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रॉन्ज इज एन एलो ऑफ, इसके ऑप्शंस हैं कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड जिंक एंड कॉपर एंड लेड। तो ब्रॉन्ज जो है वो आपका कॉपर एंड टीन से मिलके बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक रस्ट फ्री, इसके ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम एंड टीन। तो रस्ट फ्री बनाने के लिए क्रोमियम यूज़ किया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि जिंक वगैरह भी यूज़ किया जाता है, तो जिंक के साथ साथ क्रोमियम भी यूज़ किया जाता है मेटल को रस्ट फ्री बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मच कार्बन डज स्टील कॉन्टेन, स्टील में कितना कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके ऑप्शंस हैं 0.1 to 2%, 7 to 10% एंड 10 to 50%, एंड अगला ऑप्शन है आपका 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.1 to 2% कार्बन प्रेजेंट होता है स्टील में। तो ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन है, इसको करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करते रहेंगे आपके एंट्रेंस तक, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।